आपने मुझे पूछा था कि फ्लाइट में जो कंटेनर्स मिल जाते हैं उसको हम किस तरह रीयूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह कबाड़ है, चलिए रीयूज करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड दीभा, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट विद देवा। आपको पता है वीडियो के मामले में ना मुझे तीन चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। एक तो आपके जो डिमांड होते हैं उसे अगर मैं कभी भी पूरा कर पाती हूँ, आपके लिए वीडियो बना पाती हूँ, मतलब आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बना पाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सेकेंड, जब मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कुछ टॉपिक देते हो उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड लास्टली, मुझे जब आप कमेंट देते हो, आपके सारे कमेंट्स में वन बाय वन पढ़ती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। हालांकि कभी कभी रिप्लाई देने में काफ़ी लेट हो जाती हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ, वन बाय वन में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सबसे अच्छा वाला फीलिंग्स ना मुझे तब आती है जब आपके तरफ से किसी भी चीज़ का कोई भी फीडबैक मिलता है। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, मेरे तरफ से तो आप सबको ढेर ढेर सारा प्यार। तो आज के वीडियो भी आपकी डिमांड के ऊपर है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी हर बार की तरह, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, देन इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत ही आपके पास जाऊं। तो अभी चलिए आपके वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इंडिगो में ट्रैवल कर रहे हो, ये वाला बॉक्स आपके पास होगा ही। हालांकि मैंने देखा ये वाला बॉक्स चेंज होके अभी नया लुक इसका आ गया है, बट ये वाला बॉक्स मैं निकाल के लाई हूँ क्योंकि मुझे पता ही ये वाला बॉक्स मोस्टली सबके पास अवेलेबल होगा ही। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बस यही सेम बॉक्स चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली इस डायमेंशन के कुछ भी बॉक्स आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो। अभी साइड एजेस को मैं कवर कर रही हूँ मास्किंग टेप की हेल्प से, क्योंकि कलर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जो भी काम मुझे करना है मैं बीस वाले पोर्शन पे करूँगी, तो उसके ऊपर मैं पहले एक कोट लगाऊंगी जेसो के। अगर आप कुछ डिफरेंट बॉक्स यूज कर रहे हो एंड पूरे बॉक्स को आप जेसो के साथ कवर करना चाह रहे हो, देन आप कवर कर सकते हो। बट नीचे वाले पोर्शन को जब आप जेसो के साथ कवर कर रहे हो तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के ही कवर कीजिएगा, और क्यों कीजिएगा वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी प्राइम को ड्राई होने के बाद अब अपने हिसाब से कलर यहाँ पुट कर सकते हो। मैं यहाँ ऊपर में डाल रही हूँ क्रोम येलो कलर और नीचे वाले में कुछ पिंक शेड में डाल रही हूँ। बट यहाँ मैं क्या करूँ, इतनी गंदी आदत है कि उस सेम डैबिंग स्पंज के हेल्प से मैं पिंक कलर डाल रही थी तो मिक्स होके कुछ अजीब सा कलर निकल के आ रहा था, तो इसीलिए मैं डैबिंग स्पंज चेंज करके नया वाला डैबिंग स्पंज यूज कर लिया। ओके, अभी कलर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर डायरेक्टली स्केच पेन के हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ ऑटो रिक्शा। एंड बिलीव मी, मैं डर डर के इसे बना रही थी क्योंकि डायरेक्टली मैं इसे स्केच पेन के हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ। पेंसिल के हेल्प से मैं ड्रॉ कर रही थी तो देखा कि कैमरा में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था तो मैंने स्केच पेन यूज कर लिया। अभी पता नहीं, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया मेरा ना, इसके ऊपर फिर से कलर डालना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली ड्राइंग मेरा ठीक ठाक हो ही गया है। बस हम इसके अंदर अभी कलर फिल करेंगे। बहुत ही प्रीटी सा ऑटो रिक्शा हम बना रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसको तो मैं थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल टच दूंगी ही। तो बेसिकली इसको मैं फिल कर रही हूँ पिंक कलर के साथ एंड दो चार कलर सेट में यूज कर रही हूँ इसे और ज्यादा डेकोरेट करने के लिए। बट ये मैं जरूर बोलूंगी, कलर आप अपने हिसाब से ही पुट कीजिएगा। तो यहाँ बाद में आपको कलर थोड़ा ब्राइट लगेगा क्योंकि मैं डबल कोट अप्लाई कर चुकी हूँ। अगर आप भी मल्टीपल कोट्स अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रहे, एक कोट कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही आप नेक्स्ट कोट अप्लाई कीजिए। तो यहाँ मैं पिंक कलर डाल चुकी हूँ, बस ये ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं डाल चुकी हूँ पोल्का डॉट्स एंड व्हाइट कलर में मैं यहाँ डॉट्स प्रिंट डाल रही हूँ। डॉट्स प्रिंट डालने के लिए आप डॉटिंग टूल यूज़ कर सकते हो या फिर आपके जो ब्रश के बैक साइड है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी पहले जो ऊपर के मास्किंग टेप है ना इसे मैं निकाल दूंगी, बहुत ही इजीली आप इसे निकाल सकते हो। बट मैं जरूर एक बात रिकमेंड करूंगी, जितने जल्दी आप मास्किंग टेप निकाल दोगे उतना अच्छा है। तो येलो कलर डालने के बाद ही आप निकाल दीजिए क्योंकि शुरू शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, येलो कलर डालने के बाद ही आप मास्किंग टेप निकाल दीजिएगा। एंड आउटलाइंस डालने के लिए आप यही यूज कर सकते हो ब्लैक कलर के मार्कर पेन। नहीं, एक्रिलिक कलर यूज कर रही हूँ, बट आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप उसे यूज कर सकते हो।
जब तक मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ, उसी टाइम पे चलिए कुछ नया बनाते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ ये वाला फोम सीट, मेरे पास नया तो नहीं था, ये कुछ कटा हुआ है मेरे पास थोड़ा बहुत। तो जो भी कलर के मेरे पास था, जितना भी हो सका, मैं उससे ही काट के यहाँ ले आई हूँ। एंड इसको इस तरह मुझे रोल करना है। एंड स्टिक करने के लिए मैं यहाँ हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ। बस एक चीज़ आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आपके फोम सीट जितना पतला होगा उतना अच्छा है। मेरे पास नहीं था तो मैं ये मोटा वाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कंटेनर के अंदर आप इसे ग्लू के साथ स्टिक कर सकते हो। मैं बस इस तरह प्लेस कर रही हूँ, सारे के सारे इसके अंदर फिट हो जा रही है, तो मैं ग्लू ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ। एंड कलर ड्राई होने के बाद इसके ऊपर वर्निस का एक कोट आप याद से डाल दीजिएगा। अगर आप चाहो तो मेरे तरह रेजिन भी ऐड कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। मैं तो ये बताऊंगी कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि खास करके ट्रैवल के टाइम ना मुझे इस टाइप के ऑर्गेनाइजर चाहिए होता है, बट मेरे पास नहीं था। मैं कब से सोच रही थी कि एक ले लूं, बट फिर मैंने सोचा कि इस तरह तो मैं खुद तैयार कर सकती हूँ। एंड मुझे हमेशा से खरीदने से ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं किसी चीज़ को बना के यूज़ करूँ। जब आपके डिमांड आया तो मुझे लगा चलो इस बार मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आपके डिमांड के साथ साथ मेरे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ही तैयार हो जाता है। पहले से मैं आपको बताई थी कि इस जगह पे हमें कलर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप बार बार लिड्स को क्लोज एंड ओपन करोगे तो वैसे भी उस जगह के कलर निकल ही जाएगी। सो बेटर है उस जगह पे आप कलर पुट मत कीजिए। एक बहुत ही हैंडी एंड ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आपके लिए भी ये यूजफुल होगा या नहीं प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। तो देन मुझे मिला ये वाला कंटेनर जो बहुत ही छोटा सा है, शायद कुकीज था इसके अंदर, तो इसको मैं आज रियूज करने वाली हूँ। तो ऊपर वाले एरिया को मैं मास्किंग टेप के हेल्प से कवर कर चुकी हूँ, एंड बाकी सारे एरियाज पे मैं डाल रही हूँ जेसो। एंड जेसो ड्राई होने के बाद मैं सिंपली ब्लैक एक्रीलिक कलर इसके ऊपर पुट कर रही हूँ। जब भी आप टिन के ऊपर कलर डाल रहे हो, पहले तो जो प्राइम कोट है उसे आप डैबिंग स्पंज के हेल्प से ही डालिए, उसके बाद कलर पुट करने के लिए आप डैबिंग स्पंज या ब्रश कुछ भी यूज कर सकते हो। इस बार तो कलर पुट करने के तुरंत बाद ही मैंने मास्किंग टेप निकाल दिया। अभी इसके ऊपर को मैं कुछ फ्लोरल प्रिंट से पेंट करने वाली हूँ, तो बहुत सारे कलर्स मैं यहाँ ऐड करने वाली हूँ। जो भी कलर सेट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सबके साथ में व्हाइट को थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, ताकि ब्लैक कलर के ऊपर ये अच्छे से निकल के आए। एंड सिंपली मैं यहाँ वन स्ट्रोक पेंटिंग कर रही हूँ, बस बहुत ही इजी है, आप इस तरह पेंट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है यहाँ कुछ डिफिकल्टीज आप फेस करोगे। अगर मैं प्रिंट के बात करूँ, ऐसे कुछ भी मेरे दिमाग में प्री प्लान स्केच नहीं था, जो भी है आपके सामने है, मैं डायरेक्टली आपके सामने ही इसे फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही इजी है, हर कोई इसे ट्राई कर सकता है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आजकल पर्टिकुलरली ये वाला प्रिंट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं जो भी प्रोडक्ट इस थीम के साथ देख रही हूँ, मुझे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने सोचा इस थीम के साथ क्यों ना मैं घर पे एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँ आपके लिए। तो बस चार पांच कलर के साथ मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। एंड जब भी आप इस टाइप के प्रिंट डिज़ाइन कर रहे हो, ध्यान रहे आप 1 या 0 नंबर ब्रश यूज़ कर रहे हो, एंड मैक्स टू मैक्स आप 2 नंबर ब्रश ही यूज़ कीजिए, उससे ऊपर वाला तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। बिल्कुल सेम डिज़ाइन के साथ जो ऊपर के लीड है मैं उसे भी कलर कर चुकी हूँ। अभी कलर ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वर्निश। आपके पास कोई भी ब्रांड के क्लियर वर्निश है आप इसके ऊपर डाल सकते हो, ये मेरे सबसे फेवरेट क्लियर वर्निश है, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। पता नहीं इस टाइप के कैंडल में जब भी लेके आती हूँ ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ टाइम जलने के बाद इस तरह हो जाती है। शायद मैं गलत तरह से इसे यूज़ कर रही हूँ या फिर ये ऐसे ही है, मुझे पता नहीं। अगर आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ ये वाला हादसा हो रहा है तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे परचेज ना करूँ। तो जो भी आपके पास इस तरह के वर्क्स है तो आप उसे फिर से दोबारा यूज़ कर सकते हो। तो सबको इस तरह एक कंटेनर पर डाल के पानी के ऊपर मैं रख के इसे गर्म कर रही हूँ। एनीवे ये हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे डालने से पहले कैंडल विक्स में यहाँ ऐड करूंगी, मैं 2 ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो आप एक भी ऐड कर सकते हो, बट 2 ऐड करने से आपके वर्क्स प्रॉपरली यूज हो जाएगा। ये बिल्कुल तैयार है, इसे कास्ट होने के लिए आप बस कुछ देर छोड़ दीजिए। तो कैंडल बिल्कुल हमारा तैयार है, अभी जो एक्स्ट्रा विक्स है हम उसे काट के निकाल देंगे, एंड उसके बाद तो मैं कैंडल लगा के आपको दिखाऊंगी। बट उससे पहले आप देख लीजिए ये किस तरह लग रहा है, बिल्कुल मार्केट वाला कैंडल, आप घर पे इस तरह बना सकते हो। तो चलिए अभी मैं कैंडल जला के आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका कैंडल होल्डर, कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मन से आपके लिए तैयार करी हूँ, एंड आपकी फीडबैक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है मेरे लिए।
एंड जैसे कि इसके ऊपर लिड है तो आप इसे क्लोज करके कहीं पर भी ले जा सकते हो। जैसे कि मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ, मुझे वीडियो बनाना होता है, तो मैं इस तरह के छोटे छोटे कैंडल्स कैरी करती हूँ। एंड वैसे भी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, इस तरह कैंडल होल्डर बना के आप अपने ड्रॉइंग एरिया को सजा सकते हो। फाइनली थर्ड DIY के लिए हम लेंगे ये वाला कंटेनर, जो मेरे सबसे फेवरेट वाला प्रोडक्ट है। एंड कार्डबोर्ड के ऊपर जिसको मुझे कट करना है, मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके रख चुकी हूँ। इसे इरेज करने के लिए मुझे इरेजर नहीं मिला, तो मैं ऐसे ही ड्रॉ करके इसे कट कर रही हूँ। अभी कट करने के बाद इसके साइड एजेस को कवर करने के लिए मैं यहाँ क्ले यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट आगे जाके मुझे क्ले के साथ ही काम करना था और मुझे मिक्स भी करना था, तो इसीलिए मैंने क्ले ही यूज़ कर लिया यहाँ। अरे मैं तो यहाँ आपको बताना ही भूल गई, मैं यहाँ क्या बना रही हूँ। मैं एक बहुत क्यूट सा ऑल बना रही हूँ, तो इसको कट करना भी उतना ही आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड वाला ड्राइंग ही नहीं है। एंड हाँ, क्ले पुट करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कलर लगाएंगे। तो क्ले ड्राई होने के बाद मैं डायरेक्टली इसके ऊपर कलर नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ जेसो का एक को डाल रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा जो कार्डबोर्ड है वो थिक में है एंड मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बहुत सारे कलर्स ऐसे वेस्ट चला जाए। क्योंकि अगर आप कार्डबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली कलर अप्लाई करोगे ना, आपको मल्टीपल कोट्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप जेसो नहीं है तो वाइट एक्रीलिक पेंट के एक को डाल दीजिए, उसके बाद ही जो भी डिज़ायर सेट आप पुट करना चाहते हो आप उसे लगा सकते हो। हमेशा की तरह मैं वही सेम चीज़ बोलूँगी, कलर आप अपने हिसाब से ही पुट कीजिएगा। मैं यहाँ दो डिफरेंट सेट्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप आइज वाले पार्ट को कलर कर रहे हो ना, मैं एक टिप्स ज़रूर आपको देना चाहूँगी कि एक लेयर ड्राई होने के बाद ही आप नेक्स्ट लेयर के काम शुरू कीजिएगा। जैसे कि मैं पहले वाइट कलर डाल रही हूँ, वाइट कलर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ टील ब्लू कलर, टील ब्लू कलर ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ब्लैक एक्रीलिक कलर। पर्टिकुलरली इस पार्ट के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पहले तो दोनों आइज को हमें बिल्कुल सेम रखना है एंड ऊपर से थोड़ा बहुत अगर इधर उधर एक साइड के कलर हो गया ना, फिर से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, उस वाले एरिया को कंसील करना पड़ेगा व्हाइट कलर डाल के। उससे तो अच्छा ये है कि बस आराम से आप लेयर बाय लेयर ही काम कीजिए। उसके बाद मैं तैयार करूंगी कार्डबोर्ड के साथ एक ट्री ब्रांच। बस सिंपली इस तरह आप कार्डबोर्ड को कट कर सकते हो। एंड कट करने के बाद मैं इसके साइड एजेस को भी कवर कर दूंगी क्ले के साथ। तो वैसे भी मुझे क्ले मिक्स करना था, क्योंकि छोटे छोटे काम कुछ बाकी रह गया था। एंड मैं यहाँ ना एक क्यूट सा बो भी बना रही हूँ। मैं जब भी ऑल वाले क्राफ्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके साथ तो एक बो बना के मैं लगा देती हूँ। इस वाले क्राफ्ट के लिए भी मेरा कुछ ऐसे प्लानिंग नहीं था, बाद में लगा कि चलो यार एक डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इससे खाली खाली सा लग रहा था। एंड मुझे लगा कि ये वाला ऑल ना बहुत ही क्यूट दिखेगी अगर मैं एक बो डाल दूँ। उसके बाद जितने सारे एलिमेंट्स हम तैयार करके रखे हैं, उसको एक साथ हम स्टिक करेंगे कंटेनर के ऊपर। तो पहले आउल को मैं हॉट ग्लू के साथ स्टिक कर रही हूँ, उसके मैं नीचे स्टिक करूँगी ब्रांच को, क्योंकि मुझे इस तरह प्रेजेंट करना है जैसे कि ये बिल्कुल बैठी हुई है इस ब्रांच के ऊपर। एंड उसके बाद मैं इसके विंग्स डालूंगी एंड इसे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर क्ले फ्लावर्स डालने वाली थी, बट तभी मेरे सामने ये वाला फ्लावर्स आया जो बिल्कुल मेरे साइड में था, तो मुझे लगा चलो इसे ही यूज़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में इस तरह के फ्लावर्स जो बहुत पुरानी है वो मिल ही जाएगा, तो मुझे लगा चलो इसे ही रियूज कर लेते हैं। तो उसे भी मैं स्टिक कर रही हूँ हॉट ग्लू के हेल्प से। एंड इसके साथ हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही कंप्लीट है। चलिए दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अभी इसके अंदर आप रियल प्लांट भी रख सकते हो, ये आर्टिफिशियल प्लांट के साथ डेकोरेट कर रही हूँ, तो अपने इंडोर गार्डन पे इसे आर्ट कर सकते हो या फिर अपने होम डेकोर पे भी आप इसे आर्ट कर सकते हो। तो वीडियो ख़त्म करूंगी बस सेम क्वेश्चन के साथ कि आपको कौन सा वाला DIY सबसे अच्छा लगा, और आज के जो पूरा वीडियो है मोरोवर आपको अच्छा लगा या नहीं, तो आप ये फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए कुछ DIY या फिर होम डेकोर वीडियो के साथ। अगर आपके कुछ डिमांड है तो आप बता सकते हो। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।